रिपोर्ट के लिए लोगों ने 20 दिन लगाए, 20 दिन एक रिपोर्ट के लिए। अच्छा जा रहे ना, देखिए यही लोग हैं। हाँ हीरो, 6 तारीख को दिख रहा है, साफ दिख रहा है 6 तारीख को, 9 तारीख को दिख रहा है देखिए। हाँ तो कृष्णा लैब की मैं बात कर रहा हूँ, ये सर बोल रहे हैं कि रिपोर्ट आज भी नहीं आया है। ये हमारी पेशेंट है, इनको ऑपरेशन हुआ है, देखिए। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही बेकार कहेंगे, क्योंकि इस तरह का ब्लॉग मैं करना नहीं चाहता हूँ। अभी मैं हूँ राजबाड़ी हॉस्पिटल में और मैं अपने फ्रेंड को लेकर आया था रिपोर्ट लेने के लिए। और समस्या ऐसा है कि मैं 10 बजे से आया हूँ और पिछले 8 तारीख से मैं घूम रहा हूँ, कंटिन्यू घूम रहा हूँ एक रिपोर्ट के लिए। लेकिन क्या है कि ये लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, मतलब बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। इन्होंने दबाव बनाने के लिए एक कॉल आया था कि हम लोग खाना नहीं खाते, हम लोग ये नहीं करते, हम लोग पैसे के लिए काम करते, घंटा काम कुछ नहीं करते। मैं पर रिकॉर्डिंग है, आप सुनिए क्या कहते हैं। अब वो लोग बिना खाना, वो लोग खाना नहीं खाते दोपहर का, लेकिन आप लोग उनको अटेंड करते पहले। आप भी उनको समझाओ। देखिए कितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग दिख रहे हैं आपको, ये सब के सब परेशान है। कोई सुबह छह, कोई मैं कितने दिन से आ रही हूँ पता है क्या? कब से आप आ रहे हो? अरे मैं पिछले मंडे से मंडे बस किए जा रहे हैं। आपका पर्ची दिखाइए आप। ये पर्ची मैं दोबारा निकलवाई हूँ, दोबारा से डेट लिया है मैंने, दोबारा से रिपोर्ट निकलवा रही हूँ, रिपोर्ट ही नहीं आ रही है। बोलते हैं 15 दिन लगेगा आने के लिए। अच्छा लगता है क्या? कितना डिले किए जा रहे हैं? मैं दीवा से आ रही हूँ, पता है आपको दीवा से विद्या विहार आना भारी नहीं पड़ता घाटों पर यहाँ पे आने के लिए। इनका कहना है कि कंपनी चेंज हुआ है ना तो थोड़ा तकलीफ हो रही है। अरे आप कंपनी चेंज क्यों हो ना, आपने तो हैंड ओवर लिया होगा प्रॉपर, क्या काम है क्या काम नहीं है, लिया होगा कि नहीं लिया होगा? आप बेवकूफ तो नहीं, अनपढ़ तो नहीं हो कि आए जाइट नौकरी पर चढ़ गए? लेकिन सुनते नहीं है वो जो जा रहे ना, देखिए यही लोग हैं, बोलते हैं कि नाश्ता करने, खाना नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, सुनते हैं। इनको जब सीनियर का फोन आया, सीनियर फोन भी नहीं उठाते। हम पेशेंट को लेकर भागते रहे, अगर पेशेंट को आए दिन भगवान अगर कुछ हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा, हॉस्पिटल या खुद ये कंपनी वाले? बोलते हैं वीडियो मत बनाओ। वीडियो मैं क्यों नहीं बनाओ ये मुझे बताएं। अरे लंच टाइम का नाम, मतलब घंटों लूटते हैं ये। 12 बजे गए थे, आप टाइम देख सकते हो अभी वक्त कितना हो रहा है, बताओ भैया टाइम कितना हो रहा है, जरा बताओ मुझे। 2:15 हो रहे हैं, 12 बजे गए थे आप सुन सकते हो। मैं नहीं, सब लोग बोल रहे हैं, सब कोई सब के सब परेशान है। देखिए मैं भड़कूं तब इंसान भड़क। रिपोर्ट के लिए लोगों ने 20 दिन लगाए, 20 दिन एक रिपोर्ट के लिए। अच्छा पीछे पलटो, देखिए 20 दिन से ये भाई सब परेशान। क्या मतलब है स्टूपिड है राजावाड़ी वेंचर का? लंच टाइम 1 से 2 है ना, तो फिर वो लोग ने 1 से 4 बजे तक का पेशेंट को टाइमिंग क्यों दिया रिपोर्ट का? तुम्हारा लंच टाइम 1 से 2 है, 2 के बाद टाइम दे दो ना, 1 से 4 बजे तक का टाइम क्यों दिया? आप कहाँ से हैं? हम लोग शिवाजी नगर से, बैगन बाड़ी वहाँ से 14 नंबर रोड से आए। बताइए आप, वो तो बहू बैठ नहीं पाती, उसको चक्कर आ रहे, अरे परेशानी की वजह से यहाँ पे बैठा। देख सर कैसे रिपोर्ट के लिए भाग रहे हैं दोस्तों, बताओ बताओ। ये लोग खा लेंगे, पी लेंगे, आराम कर लेंगे। आज मैं पिछले कितना दिन से आ रहे हैं, हम घूम रहे हैं। हाँ तो कृष्णा लैब की मैं बात कर रहा हूँ, 6 तारीख से अपॉइंट हुआ है। चलिए आप डॉक्टर के पास चलिए, कोई बात नहीं, आपकी सच्चाई पता चल जाएगी। आपकी मैडम ही फोन नहीं उठा रही है। आई मैडम, हमारी मैडम आ गए, आप बुलाइए मैडम को। हाँ हीरोइन लोग नहीं है ना सर, आप चलिए, आप सीनियर हो ना, चलो आप सर डॉक्टर के पास चलो। आप सर आपको मैं 6 तारीख को दिख रहा है, साफ दिख रहा है 6 तारीख को, 9 तारीख को दिख रहा है, देखिए आज तक रिपोर्ट इनका नहीं मिला। सरकारी के नाम पर ना ये लोग धांधली करते हैं, धांधली। आपने देखा खाना खा गए अंदर में? खाना खाया, खाना खा के गए ऑपरेशन। आप कब से बैठे हो? मैं 1 बजे से, 1 बजे बुलाए थे, 1 से बोले 4, फिर भी आप बुलाएंगे पूछ रहे हैं ना, कभी निकल जाएंगे।
क्या बोले? बोले 15 दिन में रिपोर्ट आता है, तो फिर बुलाते क्यों है? कल आओ, परसों आओ, मंडे को आओ। उन्होंने बोला 15 दिन में। फिर से लिए ब्लड? बहुत अच्छा, तो ऐसे करते रहे आप, ब्लड देते रहे, अब हर एक 7 दिन बाद फिर से ब्लड देते रहे? दो बार दिए ना, बहुत अच्छा ये है। तो आप लोग ऐसी मौन धर खड़ा रहिए, तो मैं बोल रहा हूँ, सबको मैं बोल रहा हूँ भाई, कसम से मौन रहने से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, मैं बता रहा हूँ। मैं भड़का था ना, पता है, बार मुझे कॉल आया था, यहीं से किसी ने कॉल किया था, नंबर अभी मेरे पास है। वो क्या बोल रही थी, तू औरतों से बात करने तमीज नहीं है? आप बताओ, जो इंसान 8 तारीख से कंटिन्यू पेशेंट को लेकर भाग रहा है, आप बताइए कितना परेशान होगा? छोटा नहीं, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, पेशेंट सामने खड़ी है अभी, बताइए। डॉक्टर हर रोज बोलता है लेके आओ, लेके गया आज, लेके गया तो बोलता है रिपोर्ट कहाँ है, मतलब रिपोर्ट है ही नहीं, तो बिना रिपोर्ट का मैं क्या करूँ? सिंपल सी बात है, अब गलती इनकी है कि इनकी, आप बताओ कि गलती किसकी है? सिंपल सी बात है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। दोबारा ब्लड देने की कोशिश मत कीजिए आप लोग, कसम से बता रहा हूँ, मौन रहिएगा ना, ये लोग चूस जाएंगे मच्छर की तरह, नहीं होने वाला कुछ। फिर से बुलाया आपको परसों? हाँ, आज आज ब्लड दिए होंगे आप फिर से? नहीं ले रहे उन लोग, पल्टी खा रहे ना। क्या बोले? बोले आज आना, जो पैसा भी भरी पड़ी वो भी नहीं कर रहे, बोले परसों आना। वाह, बहुत अच्छा। इससे पहले कितने बार ब्लड दिए? उसके बाद तो कितने बार दे चुके हैं। कोई बात नहीं गाइस, ये बोल रहे हैं कि झगड़ा करने यहाँ मत आओ। अब आप लोग बताओ कि मैं झगड़ा करने कहाँ जाऊँ? मैंने ब्लड के लिए यहाँ रिपोर्ट दिया है, सब कुछ यहाँ दिया है, करने कहाँ जाऊँ मैं रिपोर्ट लेने के लिए? सीएम के पास जाऊँ क्या? हाँ, ब्लड यहाँ दिया है, रिपोर्ट यहाँ दिया है, रिपोर्ट मुझे यहाँ चाहिए ना। पता है गलती इनकी नहीं है, तो ये अपने सीनियर को कंप्लेन करें ना कि नहीं करें, बताइए। गलती हमारी है तो बोलो, रिपोर्ट मैंने आपको दिया, पैसे मैंने वहाँ दिया है, जहाँ दिया वहाँ बात करूँगा ना मैं। बोलते हैं ना, भागो 30 नंबर, भागो 38 नंबर, भागो 7 नंबर, भागो 6 नंबर, भागो, कितना भगाते हैं, कितना भगाते हैं पता है, हर जगह वो भगाते हैं। अंदर क्या क्या है, कितना रिपोर्ट है? सिंपल सी बात है, देखे कैसे आपस में झगड़ रहे हैं, देखे कैसे झगड़ रहे हैं, धान मचा के रखे हैं। मैं यहाँ रिपोर्ट लेने आई हूँ, तो वो बोलते हैं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप बाहर ही कराओ। रिपोर्ट मांगने पे हमको ये रिस्पॉन्स मिल रहा है कि बाहर से कराया जाए, जब बाहर ही कराना था तो हम सरकारी अस्पताल में आते ही क्यों हैं, बाहर ही करा लेंगे। पान जी गाइस, हम लोग घर जा रहे हैं, रात में बैठी है, और उन लोगों ने फिर से वापस कल बुलाया कि कल आ जाओ रिपोर्ट लेने के लिए। देखते हैं, 8 तारीख से मैं कंटिन्यू भाग रहा हूँ, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, जहाँ जाना था वहाँ मैं पहुँच ही नहीं पाया, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के टेंशन में बहुत बिजी था, और वो लोग भी झगड़ने के लिए सामने से आ गए। कोई बात नहीं, देखते हैं।